नमस्कार मु जजाति महंती आपनकु स्वागत करूची एडिटर्स पॉइंट को। आज सप्ताहर प्रथम दिन आम नुआ कार्यक्रम प्रथम अध्याय आम आज नुआ आशा नुआ संभावना प्रसंग विषय आलोचना करिबा एवं खबर पछर खबर खबर पछरे थिबा टिकिनिकी तथ्य ए सबु आम आपन पाखरे पहुंचेबु ए शो कार्यक्रम रे एवं सबुठ बड़ कथा होची आम आपनकु जोडिबु ए कार्यक्रम सहित प्रत्येक प्रसंग रे आमे आपणक मतामत को गुरुत्व देबु। एबे सबुठ बड़ प्रसंग होची सारा विश्व रे कोरोना महामारी समस्त मन रे एबे कोरोना महामारी को नहीं अनेक चर्चा। महामारी रु रक्षा पाइबा पई टीका एबे निहाती आवश्यक तेणु एबे कोरोना वैक्सीन उपरे समस्त नजर रही सारा विश्वर 750 कोटी अपेक्षा करिसंती कोरोना प्रतिरोध टीका को। सारा विश्व रे किए ए वैक्सीन प्रस्तुत दायित्व अच्छा एसबुर ताजा स्थिति कौन रही टीकार अवस्थिति एवं ताजा चित्र जमापड़ एवं आपण जीवन आते दिन केस के बर्ष यही चलो एवं आग को जी आपण जीवन ने किसी पर आसब कि नहीं सारा विश्व 165 प्रकार टीका उपरे काम चली 23 टीकार मानव परीक्षण आरंभ हो सारा 140 रु अधिक टीका एबे भी मानव परीक्षण अपेक्षा रे रही केवल जीवजंतु परीक्षण चली 15 टीका एमती अच्छी जहाँ मानव परीक्षण प्रथम पर्यायर रही परीक्षा निरीक्षा एबे भी जारी रही सीमित संख्यार मानव परीक्षण होते परिमाण टीका मनीष को केते डोज रे दिया जीवा उचित तापर मध्य अधिक तर्जमा चली एथिरु 11 प्रकार टीका एमती अच्छी जहाँ द्वितीय पर्यायर रही जोठी अधिक लोकंक शरीर रे टीका परीक्षा चली विभिन्न वर्गर लोकंक उपरे परीक्षा निरीक्षा चली टीकार 4 टीका एमती रही जहाँ तृतीय पर्यायर रही जो स्तर रे हजार हजार लोकंक शरीर उपरे परीक्षा चली लोक माने संक्रमित हेबा पई अपेक्षा करा जायछि जो थ्रु जना पड़ संक्रमित होगा पर टीका द्वारा कौन प्रभाव पड़ू से शरीर उपर एम पॉजिटिव होती कि नहीं यापर टीका प्रस्तुत करी कंपनी गुड़िक यार फलाफल तर्जमा करे एवं चतुर्थ पर्याय परीक्षण पर मार्केट को आसवर बाट फिट पूरा विश्व में एवं 5 प्रकार टीका उपरे काम चली आम जाना से टीका गुड़िक सब कौन एवं से टीका एवं कौ स्तर अच्छी कौ देशर कौ कंपनी से टीका प्रस्तुत करुच्छे प्रथम पर्यायर जदि आम टीका कथा कहिबा ताले ये होची जेनेटिक वैक्सीन एई वैक्सीन कोरोनार जीन को आनालीसीस करिकी शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि करे एबे 10 बड़ बड़ कंपनी ए टीका उपरे काम करछंती। द्वितीय होची भाइराल वेक्टर वैक्सीन ए वैक्सीन जरिया रे कोरोना भूताणु रो जीन को मनीष शरीर रे कोषरे छड़ा जाए एवं परीक्षा करा जाए मनीष शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति कोरोना भूताणु को सही पारुछि कि नहीं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत ए वैक्सीन अनेक दिगरे काम करुछि। सारा विश्व रे परि 8 वैक्सीन उपरे एबे भी काम जारी रहिछि। तृतीय प्रकार वैक्सीन को आमे प्रोटीन आधारित वैक्सीन बोली कहउछथि भाइरस विरोध रे रोग प्रतिरोधक शक्ति को वृद्धि करिबा पाई कोविड वैक्सीन न प्रोटीन को व्यवहार करा जाए। दुनिया रा 9 बड़ा कंपनी ए वैक्सीन उपरे एबे काम करछंती। और चतुर्थ प्रकार टीका हेउची होल भाइरस वैक्सीन एहा जरिया रे दुर्बल एवं सक्रिय नथिबा भूताणु को शरीर रे पहुंचाई जायथाय शरीर एहा को चिन्ही एहा विरोध रे काम करिबा आरंभ करथाय। सारा विश्व रे 4 प्रकार वैक्सीन एही दिगरे काम करछंती। भारत रे भारत बायोटेक एवं ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ए वैक्सीन उपरे काम करछंती। प्रकार वैक्सीन दिल्लीर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट रे एबे मानव परीक्षण चली 5म कैटेगरी रे रिपर्पस्ड वैक्सीन ता उपरे मध्य काम जारी रही एपरी एक वैक्सीन जहाँ अन्य रोग पर प्रस्तुत होता किंतु ए टीका को एबे COVID-19 पर मध्य परीक्षण करा जाउछि COVID-19 न प्रतिरोधक यह सहायक हो पड़े ये वैज्ञानिक चर्चा परे आकु मध्य कोरोना पाई कोविड-19 पाई
व्यवहार करा जाय पारे जहार ना रखा जायछि रिपर्पस्ड वैक्सीन। एबे सारा विश्व रे चीन रा एक कंपनी केन साइनो बायोलॉजिक्स द्वारा प्रस्तुत वैक्सीन रो सीमित संख्या रे व्यवहार पई अनुमति मिली सल्ला। जून 15 रु वर्षक पई जून 15 2020 रु जून 15 2021 पर्यंत चीन सेना किछ निर्दिष्ट परिस्थिति रे यार व्यवहार पई अनुमति दैछि। एबे सारा विश्व रे एक प्रकार प्रतियोगिता चलिछि केउ देश केउं कंपनी प्रथमे वैक्सीन को बाजार को आनी पारिबो। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिया उपरे प्रतिदिन प्रति मुहूर्त रे नजर रखिछि तार कहिबा कथा ए वर्ष शेष सुद्धा गोटिए बा दुईटी वैक्सीन बाजार रे उपलब्ध होई पारे। निश्चित भाव यह आम समस्त एक शुभ खबर किंतु आमको जानिबा को पड़िबो बुझिबा को पड़िबो केउं देशर केउं बड़ बड़ कंपनी ए प्रतियोगिता दौड़ रे आगरे अछन्ति। जदि आमे देखिबा देशर कथा कंपनी कथा ताहले निश्चित भाव बड़ बड़ देश जो माने अछन्ति अमेरिका कथा कहंतु चीन कथा कहंतु ब्रिटेन कथा कहंतु एवं निज आम देश भारत भी दौड़ रे पछर नहीं किंतु सबुठ आगर रही अमेरिकार मॉडर्ना कंपनी जी सी जो वैक्सीन प्रस्तुत करुच्छे से वैक्सीन ना हो mRNA-1273 RNA वैक्सीन ये एक RNA वैक्सीन जहाँ शरीर को जीवापर स्वतंत्र प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि करिवारे सहायक होता शरीर में आंटीजेन वृद्धि करता है तेणु जितेबाला असली कोरोना भाइरस शरीर मध्य को आसब से शरीर यह जापार रोग प्रतिरोध करार क्षमता सृष्टि कर पार खूब शीघ्र 30,000 लोकों शरीर में यार मानव परीक्षण कर अमेरिका सरकार ए वैक्सीन को नहीं खूब आशावादी रही सेपाई तो डोनाल्ड ट्रंप सरकार सबकि बाजी लगे वैक्सीन पचरें ए वैक्सीन को लेकिन अमेरिका राष्ट्रपति दृढ़ विश्वास सह सारा विश्व को वार्ता दे चलते खूब शीघ्र अमेरिका ए वैक्सीन प्रस्तुत करें। द्वितीय कथा कह द्वितीय ब्रिटेन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और ब्रिटिश फार्मा कंपनी आस्ट्राजेनिका नामक एक वैक्सीन प्रस्तुत करने दिगरे काम कर मानव परीक्षण आरंभ हो सारी एवं आशा रही वर्ष शेष सुधा यह उपलब्ध हो पार यह हजारे लोकों पर परीक्षा करा सरला एवं वैज्ञानिक मान कहवा कथा ए वैक्सीन जो मान शरीर में परीक्षा होता से शरीर में आंटीबॉडी एवं कोरोना भाइरस को प्रतिहत कला भली टी सेल प्रस्तुत हो सारी। ब्रिटेन सरकार 10 कोटी वैक्सीन प्रस्तुत पर ऑर्डर दे सारी जेहेतु यह ब्रिटेन ने तैयारी होची तेणु निश्चित भाव में अग्राधिकार ब्रिटेन को ही मिल एसी संदेह नहीं किंतु वैज्ञानिक अनुसार केवल थकापण और मुंडा व्यथा को छाड़ी अन्य कौन लक्षण ए टीका द्वारा वैक्सीन द्वारा देखा जाऊना ता अर्थ यह सफल है मनीष शरीर में। यह बाद रूस करोना वैक्सीन प्रस्तुत कर दावी कर आसंता मास सुधा यह बजार उपलब्ध हो पार बोली रूस दावी कर रूस दावी कर वैक्सीन जनक शरीर में व्यवहार हेले आसंता 2 वर्ष पर्यंत करोना भाइरस को प्रतिहत करिवार क्षमता मिल। चीन भी लगातार यह दावी कर वैक्सीन प्रस्तुत करिवार निकटतर हो खूब शीघ्र यह प्रस्तुत होपर आम देश भारत भी करोना वैक्सीन प्रस्तुत करने दिगरे अनेक जोर दे देशर 7टी बड़ बड़ कंपनी यह टीका प्रस्तुति में दिन राति एक कर सबुठ आगे रही भारत बायोटेक एवं ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा प्रस्तुत कोवैक्सीन टीका। दिल्लीर एम्स रे ए टीकार मानव परीक्षण आरंभ हो सारी 100 स्वेच्छासेवी शरीर में यार परीक्षण सर मोट 375 जनक शरीर में यह टीकार मानव परीक्षण कर सबुठ बड़ कथा हूँ आम सब चिंता करती किए से ही स्वेच्छासेवी जहाँपर यार मानव परीक्षण कर 375 थिले टारगेट 100 जनक शरीर में परीक्षा सरला किंतु सबुठ भल खबर हूँ एपर्यंत 1500 रु 2000 स्वेच्छासेवी निज आड़ परीक्षा निज शरीर में वैक्सीन को परीक्षा करने अनुमति मागि सारे से आप्लाय कर सारे समस्ते इच्छुक शरीर में परीक्षा करा कारण एमती किसी स्वेच्छासेवी अच्छा जो मैंने चाहती निजर किसी शरीर क्षति हो पछे अन्य मानक जीवन बंचु से संख्या 2000 पहुँचला 375 जनक शरीर में यह परीक्षा कर देशर जदि कह 12टी बड़ बड़ डाक्तरखाना यार मानव परीक्षण एवं भी जारी रही ओडिशा सम हॉस्पिटल तालिकार जोड़ी होती।
आम निश्चित भाव में प्रसंग में प्रतिक्रिया नवा सम हस्पिटाल जी विभाग एचओडी अच्छा वेंकट राव तांकटू शुणा से कौन कहते वैक्सीन विषय में मानव परीक्षण को स्थिति में पहुंची किपर चली सम हस्पिटाल काम शुणा प्रतिक्रिया नवा वेंकट राव सम हस्पिटाल विभाग मुख्य कठा भारत रे सब जगह बहुत जगह क्लिनिकल ट्रायल यूनिट्स अच्छी आमर प्रिवेंटिव एंड थेरापेटिव क्लिनिकल ट्रायल यूनिट जोटा कि गोटे यूनिक फॉर इंडिया से भितर आमर ओडिशा रे एमिते गोटे ट्रायल डेडिकेटेड ट्रायल यूनिट ना आमर पूर्व अनेक गोटे ट्रायल आम करूँ जो थ्रो सक्सेस उपर बेस करें गोटे ये सेन्टरटा क्रिएट कर डेडिकेटेड सेन्टर से कौन ह्यूमन वॉलंटियर जो आप आसिक रक्त परीक्षापी निजे आसुचे से गोटे रोगी नुह ताकू गोटे वैक्सीन दि जाऊँगी रोगी वंचित करने थरोली आम जी मानते प्रचुर परिमाण में जत्न नहीं करें फिजिकल एग्जामिनेशन करूँ कि सब प्रकार रक्त परीक्षा करमी आप भापर जो मास्टर चेकअप एवं बहुत जन आमको ना मानने वेबसाइट रजिस्टर करमर व्हाट्सअप नंबर से मैंने रजिस्टर करता सिक्रेटली रखाई है से रक्त परीक्षा सब जगह रिपोर्ट जो बाहरी तापर आम जा अलग इनवैट कर गोटे गोटे करसीन देवा आरंभ कर प्रथम फेज रे 18 वर्ष रु 55 वर्ष जो मैंने निज स्वइच्छार आसवे कारण आम कौन जगह कौन एडवर्टाइजमेंट किसी करूँ ना निज इच्छा जो सब आसिक पहुँची से आम स्क्रीनिंग करने निब प्रथम पर्यायर 18 रु 55 द्वितीय पर्यायर 10 रु 65 तापर अन्न्य सब प्रकार लोक दिजिव माने आम चेषा कर जानवा चेषा कर प्रथम किसी साइड इफेक्ट तो ना कि डोज एस्केलेट कर जितने के डोजटा से कम करा आम परीक्षा करेंगे कि हेल्दी वॉलंटियर्स को प्रथम चूज कर द्वितीय पर्यायर जो मैं डिजीज अच्छी न अच्छी से सब जिन द्वितीय और तृतीय पर्यायर से आम डाक्तर मैंने रे कंटिन्यूसली इमरजेन्सी कार्ड सहित से रे दुई घंटा पर से सुस्थ व्यक्ति वैक्सीन नहीं कौन टीका भाया यहाँ भी टीका नहीं चली जाइपारे सात दिन 14 दिन 28 दिन 42 दिन एमती डिफरेंट टाइम पर्यायर आम कंटिन्यूअसली फॉलोअप कर मेथोडोलोजी तो जिते सब टीका जिते भी टीका आप बजार देखुं से सबू हो किसी न कि भूताणु कि जीवाणु किंतु से जीवाणु आ भूताणु रोग कर शक्ति ना से प्रोटीनटा जो देह को जो जाऊँगी थ्रू एन इंजेक्शन ओरल पोटियो दि जाऊँगी से जो जिनस गुड़ा आपणकर देहर रोग लड़बार शक्ति प्रड्यूस कै जो से शक्ति आसपर जो सतरे जो जीवाणु आसिक पहुँचला से रोग सहित लड़बार शक्ति रहा हूँ बेसिक प्रिंसिपल सब वैक्सीन यापाई हूँ गोटे आम स्पन्सर अच्छा गाइडेन्स एनआईवी पुणे आउ आईसीएमआर ये दुई जन से कंट्रोल अच्छा आमर जिते सब इनफर्मेसन अच्छे आमर गोटे इलेक्ट्रोनिक डेटा कैप्चर मेकानिजम ईडीसी कहते इलेक्ट्रोनिक डेटा कैप्चर से जिनटा को आम करूँ जोटा कि इलेक्ट्रोनिकली डेटाटा कैप्चर होट द स्पन्सर सैट आपड़ शुणुते एन वेंकट राव प्रतिक्रिया जी सम हस्पिटाल विभाग मुख्य अच्छा से विस्तृत भाव में बताऊते जे क्यों क्यों वर्गर क्यों क्यों बयस लोकों पर मानव परीक्षण करगक कौन कर सब बेले जो मानव परीक्षण कर सुस्थ स्वेच्छासेवी जी संपूर्ण सुस्थ अच्छा परीक्षा कराऊपर नजर रखा एक स्वतंत्र डेडिकेटेड डाक्टरी टीम ये सब संपूर्ण 24 घंटिया नजर रखुच्छी एवं आम जदि अधिक आलोचना करने चाहिए आम सहित डॉक्टर सूर्य प्रकाश चौधरी जोड़ी होती सम हस्पिटाल डाक्तर सहित कथा किंतु आगे प्रथम जाणी ना ये टीका जरिया कौन भारत करोना विरोध में लड़ेर नेतृत्व तो नहीं पारे एभली अनेक प्रश्न उंकी मारूँ भारत केते आगू जापर केते सफल होारत यहाँ सारा विश्व नजर रखी एवं आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया स्लोगान दि जाऊँगी स्थिति में भारत पाखे एक पर्याप्त सुजोग रही करोना महामारी सह सारा विश्व जोबले संघर्ष कर समस्त नजर जो वैक्सीन बा टीका उपर रही एथिरे भारत सफलता सह मेड इन इंडिया रा स्वप्न सफलता मध्य जोड़ी है तेणु भारत पाई कोरोना वैक्सीन को लेकिन अनेक गुड़िए विराट सुजोग रही एवं प्रश्न उठू प्रतियोगित भारत एवं क्योंठी भारत बायोटेक कोवैक्सीन और जाइडस काडिला कंपनी जाइकोव डी यार एवं मानव परीक्षण चली कोटि कोटि संख्यार टीका प्रस्तुत करने
पुणी ता पुणी कम दाम रे बाजार को छाड़ीबा ए दुईटी काम एते सहज नुहे किंतु ए दुईटी काम भारत छड़ा अन्य केउं देश पक्षरे संभव भी नुहे जदि भी भारत कोनसी कारण नु टीका प्रस्तुत करि न पारला बा अन्य जे टीकार सफल परीक्षण करि परले टीका तयारी करिवो भारत कारण जेतेबेले कोटी कोटी संख्या रे टीका प्रस्तुत हवा पई लागिवो भारत छड़ा अन्य कोनसी देश पाखरे से मेकानिजी बा से विकल्प भी नाही यदि आपण जानिबा पई चाहिबे टीका प्रस्तुत करिवारे भारत काहीं केते श्रेष्ठ यदि आपण देखिबे भारत वर्ष विभिन्न रोग पई प्राय 300 कोटी वैक्सीन प्रस्तुत करूछि यार मूल्य विश्वर देश तुलना अन्य देश तुलना रे बहुत कम रहिछि आम देशर प्रतिष्ठित कंपनी सेरम इंस्टिट्यूट SII एथिरे सबुठु आगर रहिछि एक कंपनी केवल 150 कोटी टीका प्रस्तुत करूछि एवं 170 देश को जोगाई चलिछि करोना टीका पाई मध्य ए कंपनी सेरम इंस्टिट्यूट जोरदार काम करूछि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय सह अनुबंधित होई ए कंपनी टीका प्रस्तुति दिगरे दुई पद आगु को बढ़ी सरलानी टीका बाजार उपलब्ध हेले ओडिशा किपर अधिका फायदा पाइबो ओडिशा को किपर अग्राधिकार मिलिबो से बाबद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मध्य कंपनी सीईओ को सह कथा हो सारी सेरम इंस्टिट्यूट वर्ष शेष सुधा 70-80 कोटी टीका प्रस्तुत करियो बोली दाबी करिछि एवं सबुठारु बड़ कथा ए टीकार बाजार दर 1000 टंकारु कम रहिबो टू बी एक्जाक्ट कंपनी जदि आपण वक्तव्य शुणिबे 972 टंकारे ए टीका बाजार उपलब्ध हबो अगस्त मासरे 5000 लोकंक शरीर रे मानव परीक्षण हेबो बोली जणा पडिछि आमे अधिक आलोचना करिबा वैक्सीन न स्थिति को नै वैक्सीन काहे के गुरुत्वपूर्ण ए सब विषय आलोचना करिबा आम सहित अधिक आलोचना करिया पई जुड़ी छथि सम हॉस्पिटल डॉक्टर डॉक्टर सूर्य चौधरी सर आपन को स्वागत करूछि एडिटर्स पॉइंट को आमे विस्तृत भाबे आलोचना करथुलु वैक्सीन को नै कि विश्व स्थिति को नै कि आपन को निर्दिष्ट भाबे जानिबो जानिया पई चाहिबो वैक्सीन छडा ए कोरोना रोगुरु बर्तिबा पई आजिका तारिख रे आम पाखरे आउ किछि विकल्प अछि कि डॉक्टर चौधरी ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡ୍ରଗ୍ସ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ନିହାତି ରୂପରେ ଶେଷ ରାସ୍ତା ଯୋଉଟାକି ଆମେ କରୋନାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା କି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିବା ସେଟା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ ତାର ସମାଧାନ ଆଉ ଏବେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ବଢି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେତେ ଟେଷ୍ଟ କରାହଉଛି ସେତେ ବି ଅଧିକା ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ସେରୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଆଜି ତ ICMR ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି 1.4% ପପୁଲେସନ ପଜିଟିଭ ଆସୁଛନ୍ତି ସେରୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ ଦଉଛି ମାନେ ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଦେଖଉଛି କି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନର୍ମାଲ ଜେନେରାଲ ପପୁଲେସନ କେତେ ଆଫେକ୍ଟେଡ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କରୋନା ହେଇକି ଅଲରେଡି କ୍ୟୁର ହେଇସାରିଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଟ କରିପାରିବା କି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଟ କରିପାରିବା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆମକୁ ମାନେ ନୂଆ ମେଥଡୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇନ ଏଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ ନୂଆ ଆଶାର ଆଲୋକ ଦେଇଛି ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତ ଯାହା କହିଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆଲୋକ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଟୀକା ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରକ୍ଷା କବଚ କେବେ ଆସିବ ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସାରା ଦେଶରେ ଯୋଉ 12 ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଆଶା ଆଉ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଟୀକା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହବ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରିପାରିବା ଟୀକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁଛି କେବେ ଆକଳନ କେବେ କାରଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଟୀକା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇପାରେ ଆପଣ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ କ'ଣ ଆକଳନ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟ୍ରାଏଲଟା ଏତେ ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଆଜି କରିଦେଲେ କାଲି ପାଇଯିବା ଏଥିରେ ସମୟ ଲାଗେ ବିଭିନ୍ନ ଫେଜ୍ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଏଲ ଦେଇକି ଏଇଟା ଗତି କରେ ଦେଖନ୍ତୁ 140 ପ୍ଲସ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରି କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲରେ ହେଲେଣି ସେଥିରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 37 ଏବଂ ଟ୍ରାଏଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲରେ ଏବଂ 6 ଏବେ ଫେଜ୍ 3 ଟ୍ରାଏଲ ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମାନେ 8 ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଟ୍ରାଏଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେଜ୍ 3 କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯୋଉଟାକି 12 ଜାଗାରେ କରାହଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଯୋଉ ଜାଗାରେ କରାହଉଛି ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ସମୟ ଲାଗିବ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଜିନିଷ ମାନେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମର ବି ନିହାତି ଭାବେ ଲାଗୁଛି କି ମିନିମମ୍ ଏ ବର୍ଷ ଶେଷ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 2021 ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି
ସମୟ ଲାଗିବ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଖାଲି ମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଟା ତିଆରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡିବ, କେତେ ଇଫେକ୍ଟ ରହୁଛି, କେତେ ଡୋଜ ଦିଆଯିବ, ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନଙ୍କ ଦେହରେ କଣ କରୁଛି, ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ରେ କଣ କରୁଛି, ତେଣୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାଢି ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ସେ ତାର ବେଟର ଏଫିକାସି ସେଫ୍ଟି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦେବାଟା ବେଶୀ ବେଟର ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପାନୀ ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କରିବା ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପାନୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପାନୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା କି? କରୋନା ଟୀକା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ COVID-19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେତେ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତ COVID-19 ରକ୍ଷା ପାଇବା, ନା ଅଲଗା କିଛି କିଛି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବା ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାନ, କେମିତି ଆମେ କରୋନା ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସେଇଟା ହଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ସେ। ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦବା ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ଏବଂ ସେ ଆଣ୍ଟିବଡି କରୋନା ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ସେଭ୍ କରିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ସବୁ ଯେତିକ କମ୍ପାନୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲଡ ଯେତିକ କମ୍ପାନୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ। ଆମେ ବି ପ୍ରଣାଳୀ କିମ୍ବା ମେଥଡ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ, କିଛି ଲୋକ mRNA ନେଇ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଲାଇଭ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଆଟେନ୍ୟୁଟେଡ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ କିଲ୍ଡ କରିପାରନ୍ତି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ର ମେଥଡ୍ ଜିନିଷ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ, ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ସେୟା ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଲା ପରେ ଯେମିତି ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି କେତେ ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଣ୍ଟିବଡିଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ କରୋନା COVID-19 ଏଗେନଷ୍ଟ ଫାଇଟ୍ କରିବା ଲାଗି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଭିଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ନ ହଉ ଏବଂ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଲୋକ ସର୍ଭାଇଭ୍ ହେଇପାରୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେତିକ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ। ଓକେ ଓକେ, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ, ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଉଥିଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଅଗ୍ରଗତି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ ନିଷ୍କର୍ଷ ପାଉଛନ୍ତି 2020 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନହେଲେ 2021 ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଟୀକା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଟୀକା କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବ, ଟୀକା କାହା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବ, କେଉଁ ଦେଶ ପାଇଁ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗେ ମିଳିବ, ଏସବୁ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଏବଂ ଏଡିଟର୍ସ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଜି ଆମେ କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲୁ, ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିଲୁ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇକି। ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଟିକ୍ନିକ୍ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଏଡିଟର୍ସ ପଏଣ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ। ଆଜି ସମୟ ସରିଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।